अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और जो ये व्लॉग देख रहा है, मेरे नए व्यूवर्स देखने वाले, पुराने व्यूवर्स देखने वाले, सब जो है वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है वो बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियोस हैं वो आपको फ़ौरन से मिल जाए। था जुम्मा था तो बस नमाज के बाद फिर जो है वो बच्चों ने अपने ईद के बाद जो पेपर से उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। और यहाँ मेरे बच्चे जो है खूब दिल लगा के पढ़े थे ताकि ईद के दिनों में वो फ्री हों, क्योंकि ईद के बाद पहले जो मंडे उनमें उनका पेपर है। बच्चे सौ रोज़ा है और अलविदा जुम्मा है, तो दिल बहुत ज़्यादा उदास है सुबह से। मैं सहरी का व्लॉग बनाया और फिर आज व्लॉग भी अभी लेट स्टार्ट किया है, अभी 5 बज रहे हैं, क्योंकि दिल आज बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है। और रोना भी आया है कि रमज़ान इतनी जल्दी आया और चला गया, हम कुछ अच्छी इबादतें भी ना कर सके इसमें, टूटी फूटी इबादतें जो हमने करी इसमें, उसके सबके माफ़ भी करेंगे नहीं। मतलब बहुत दिल उदास था रमज़ान के आने पर, बहुत दिल खुश हुआ था रमज़ान आ गया रमज़ान आ गया, और पता ही नहीं चला कि जल्दी रमज़ान का 25वां रोज़ा भी आ गया। और कल माशाल्लाह स्टार दावत के बाद तो बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, तो आज इतना कुछ अफ्तार ने किया नहीं था तैयारी वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं कल। माशाल्लाह सब मंदिर वगैरह सब सुबह सहरी करके अपने अपने घर गए थे, तो फिर हम लोग आज अलविदा जुम्मा था, हस्बैंड को और बेटे को जाना था नमाज़ पढ़ने के लिए अलविदा जुम्मे के लिए, तो सब जल्दी उड़ गए थे घर में। लेकिन वही बात है ना, बस व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं चाह रहा था और बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, और अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ की कि इंशाल्लाह अगला साल रमज़ान जो है वो मैं इंशाल्लाह मक्का मदीना में करूँ, अल्लाह के घर करूँ। और किसी की ज़िंदगी का कुछ भी नहीं पता, और आप सब लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि मुझे अपनी दुआओं में खास याद रखिएगा। मैं भी अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए, पूरी मेरी नबी की उम्मत के लिए, सबके लिए दुआ करूँगी कि इंशाल्लाह जो जो बीमार है, जो जहाँ कहीं पर भी है, जिनकी जो भी परेशानी है, लगभग सब दूर करें। और आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखिए स्मोकी भी आ गया है यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ हमारा शाने रमज़ान चल रहा है, ठीक है। और आज मैंने रिंग लाइट भी मंगवाई थी, मैंने कहा मैं कुकिंग के व्लॉग बना रही हूँ तो इसलिए रिंग लाइट मंगवाई थी कि स्टैंड सेट कर दूँ, कभी बेटा होता है कभी नहीं होता। और शाने रमज़ान हम लोग सब बहुत शौक से देखते हैं अपने घर में। और ये हमारा स्मोकी है, आ जाओ स्मोकी, आ जाओ, ओ आओ, शाबाश स्मोकी, कम आओ, आ जाओ आ जाओ स्मोकी, आ जाओ आओ आओ। ये हमारा प्यारा सा स्मोकी, मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और जिसको जब बुलाती हूँ आ जाता है। स्मोकी स्मोकी स्मोकी, और आज मैं चिकन स्टिक और समोसे फ्राई करूँगी। क्या हो गया, अल्लाह क्या हुआ, बस बस हाँ बना लो, 5 रोटियाँ बना लो, बस। अच्छा देखिए, हम जो फ्रोज़न आइटम बना के रखते थे ना, उससे हमें ही आसानी होती है। जब हम थके हुए होते हैं, हमारा दिल नहीं चाह रहा होता कुछ करने को, तो हमारे ये फ्रोज़न आइटम्स हमें बहुत काम आ जाते हैं। वैसे मैंने ये सब कुछ बना के रख लिया था, बस एंड एंड है, और बस एक दफ़ा और रह गए बस लास्ट करने के लिए सामान, बाकी तो मशीन से एंड हो गया। रमज़ान भी ख़त्म हो चुका है, आइटम भी एंड हो गया, तो मैंने पूरे रमज़ान का बना के रख लिया था। और आज मैंने समोसे करे हैं, और ये हमारे समोसे यहाँ पर हुए रेडी। और आपको बात बताऊँ,
अल्लाह की कुदरत की एक बात है कि जिस दिन मैं अफ्तारी नहीं बनाती या मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, उस दिन बाहर से माशाल्लाह इतनी अफ्तारी आ जाती है कि फिर मैं सोचती हूँ कि यार मैं शायद ना ही बनाती है अफ्तारी। तो आप ये देखें कि अल्लाह पाक आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं ना, कि आप उनको पता होता है कि मेरा बंदा जो है वो आज तो उसका दिल नहीं चाह रहा या वो थका हुआ है। और मैंने ऑनलाइन जो स्टॉल था वहाँ पर ली थी, प्राइस की बास्केट होती है बेसिकली, अगर आप इसको ऐसे रखें तो बहुत इजी हो जाता है आपका काम, या आपके नज़र सौ प्राइस हो। कढ़ाई पर जो है इसको निकाल सकते हैं, कहीं निकालने के लिए छोड़ देते हैं, तो इसमें स्टेंज लगे हुए होते हैं ऐसे करके, स्टेंज होता है ये देखें, आप इससे छोड़ सकते हैं इसको। ये ऑनलाइन मंगवाई थी मैंने और बहुत अच्छी है, एक जगह से ये अफ्तारी आई और माशाल्लाह भी आपके सामने पूरी ट्रे आई है, एक जगह से बिरयानी आई है और ये आज हमने बनाई अफ्तारी घर में। आज मेरे हस्बैंड जो है वो इत्तेफाक से अपने फ्रेंड्स के साथ अफ्तारी पे गए और जो है उनके सारे जो दूसरे महल्ले में फ्रेंड्स रहते हैं उन्होंने इतनी सारी अफ्तारी भेजी, और ये सब कुछ अल्लाह पाक का करम है और वो बहुत अच्छे हैं अल्लाह पाक के उनको पता था कि आज मेरी हिम्मत नहीं है और मैंने कुछ इफ्तारी में इतना किया नहीं था, तो बस अल्लाह पाक से बहुत मोहब्बत और बहुत ज़्यादा मुझे वो है कि जो भी अल्लाह से आज तक मांगा अल्लाह पाक ने दिया, ज़रूर दिया हमें, वो अपने बंदों को खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। अपना ईमान पुख्ता रखें आप लोग भी और अल्लाह पाक से मांगते रहें, अल्लाह पाक से बातें किया करें रात में अकेले, नमाज में तो हम अल्लाह से बात करते ही हैं, इसके अलावा भी जब मैं अकेले होती हूँ और बिस्तर पे सो रही होती हूँ तो मैं अल्लाह पाक से धीरे दिल में बहुत सारी बातें करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक मुझे जवाब देते हैं उन बातों का। और आज अलविदा जुम्मे का रोज़ा हम इफ्तार करेंगे, तो आज का दिन तो बस बहुत अजीब सी कैफियत है कि रमज़ान भी जा रहा है और अलविदा जुम्मे पे ख़ास ख़ास आप लोग जो जो दुआ मांगेंगे वो सब कबूल होगी इंशाल्लाह। और इसी के साथ आज का व्लॉग हम अपनी इस दुआओं पर एंड करते हैं। आप इस ट्रांसमिशन को अपनी बात का हमें कबूल करना।